अस्सलामु अलैकुम, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। की वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ईद की शॉपिंग करनी थी मुझे कुछ। ईद बहुत ही नज़दीक है, सो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना शॉपिंग व्लॉग। सो चलिए आइए शॉपिंग करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मेक श्योर अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके जी, यहाँ पे हम जा रहे हैं अलकरम में, और अलकरम में 50% ऑफ है। इनके जितने भी ड्रेसेस थे यहाँ पे 50% ऑफ था, और साइज़ का बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे। जो साइज़ अवेल हैं वो ज़्यादा स्मॉल साइज़ हैं यहाँ पे। जो मुझे पसंद आ रहा था वो लार्ज में अवेल नहीं था यहाँ पर। अप टू 50% ऑफ था, किसी पे 30% था, किसी पे 20% था। बहुत ही कम ऐसा था किसी पे 50% ऑफ था। और जहाँ पे मुझे जो ड्रेस और मुझे ये शर्ट बहुत पसंद आ रही थी, बट आई डोंट नो व्हाई कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। कॉटन में थी ये, एंड यहाँ पे इनके ट्राउज़र्स जो थे उनका स्टार्ट 1400 से था, 1450 से 2022-25 तक था इनका प्राइस। अलग अलग प्राइजेस थे इनके और मैं कैप्चर नहीं कर पाई इनके प्राइजेस को। और ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला ट्राउज़र है ये 2200 एंड 2500 तक का था ये ट्राउज़र, और बहुत जल्दी में बिकॉज़ कि यहाँ मुझे केयर करनी थी और लेडीज़ भी थी तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे ये इनका टू पीस है ट्राउज़र एंड शर्ट, इन पे भी 20% 10% ऑफ था, 50% नहीं था। इस ड्रेस पे 10% 20% ऑफ था। ऑफ आने के बाद ये 6000 कुछ प्राइस था इसका, आई डोंट नो रिमेंबर। और ये शर्ट थी, कुर्ती, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये आप इजीली केयर कर सकते हो टाइट्स के साथ, पैंट्स के साथ। कॉटन में थी ये प्रिंटेड। देन यहाँ पे इनके शूज़ हैं जिन पे 10% 20% ऑफ था यहाँ। इनकी सेल होने के बावजूद इनके प्राइसेस जो थे वो काफ़ी हाई थे, अप टू था ये 70%। ये भी कॉटन शर्ट्स थी बट इन पे भी साइजेस का प्रॉब्लम, अगेन फिर से स्मॉल साइजेस थे इनके पास। सेल में ऐसा होता है ना, लार्ज वाले जल्दी निकल जाते हैं तो फिर पीछे जो रह जाते हैं वो। इनकी बेडशीट पे भी सेल थी, और बेडशीट सेल्स के बाद जो है इनकी 2500 से स्टार्ट था। और यहाँ पे ये बॉयज़ एंड गर्ल्स कलेक्शन थी शर्ट्स इनकी, इन पे भी 10% ऑफ था। यहाँ से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने नहीं लिया, मुझे साइज़ का इशू था। सो चलते हैं आगे एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और जी हम अलकरम से आ गए हैं बिल्कुल मायूस, वहाँ मेरे मकसद का कुछ भी मुझे नहीं मिला। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आप मेरे साथ रहिएगा, और मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। Part of me, I feel.
कभी कभी ना ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मुझे बताइएगा आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है, हम लेना कुछ चाहते हैं और ले कुछ आते हैं। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैं गई थी अपने शॉपिंग कंप्लीट करने के लिए, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी वो वीडियो जे डॉट की, जहाँ से मैंने अपनी शॉपिंग की है। वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैंने वो वीडियो ऐड नहीं की इसके अंदर। सो आप वो वीडियो मेरी ज़रूर वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे ना बड़े मज़े की चीज़ मुझे ये नज़र आई है, मेरे नेल्स ना बहुत फेक नेल्स यूज़ करके ख़राब हो रहे हैं, और यहाँ पे हेयर स्किन एंड नेल्स की ये पिल्स थी। आप मुझे बताइएगा आप में से कोई अगर इन्हें यूज़ कर रहा है और इनका रिज़ल्ट है कि नहीं। ये 4000 की थी बड़ी वाली, और छोटा जो पैक था इसका 2500 था आई थिंक समथिंग, एंड 5000 की बड़ी वाली थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये कोई यूज़ कर रहा है। और मेरा बहुत दिल था लेने के लिए पर मैंने आज तक यूज़ नहीं की है, तो ये सप्लीमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं अगर कोई आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं फूड कार्ट कुछ खाने पीने मज़े करने। और यहाँ पे देखिए 14 अगस्त एंड ईद की तैयारियाँ जारी हैं, और यहाँ पे हम आए फूड कार्ट में कुछ खाने पीने, और उसके बाद हम सिंदबाद गए थे। यहाँ सिंदबाद में मैं अपने किड्स को लेकर गई थी, यहाँ एंजॉय किया हमने। सो पहले हम यहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे। मुझे तो ना घूम फिर के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर में, और मैं चाय लेती हूँ। मुझे चाय बहुत पसंद है। आप लोगों में से कौन कौन चाय का शौकीन है मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चाय के बिना मैं नहीं रह सकती। यहाँ पे मैं आपके साथ ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि शेयर नहीं कर पाऊँगी आपके साथ, इसलिए कि मेरे साथ कुछ मेरी फ्रेंड्स थी और मेरे किड्स थे। सो यहाँ पे मैं अपनी टी इंजॉय करूँगी, और मैं ना बिग टी लवर हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, और मेरे सर में पेन होना शुरू हो जाता है अगर मैं चाय ना लूँ। सो आगे की वीडियो जो है वो मैं आपके साथ जे डॉट की है, शॉपिंग मेरी वो मैं अगले वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी चाय फिनिश करूँगी, और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सिंदबाद प्लेलैंड में। वहाँ पे मेरे छोटू जो हैं वो ज़िद कर रहे हैं कि मुझे कुछ इंजॉय करना है, वो भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि हम कहाँ गए थे। जितना हो सकेगा मैं कर लूँगी आप लोगों के साथ शेयर। आपको पता है कि इस टाइम पे ईद है, और ईद की वजह से एंड 14 अगस्त की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, और रश में जो है वो प्राइवेसी का प्रॉब्लम आता है। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी बीच में जो है पर्सनल एक होता है हर फैमिलीज़ का, तो मैं नहीं चाहती कि किसी का भी यहाँ पे मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। सो जितना मुझसे हो सका मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड मेरी तरफ से सबको हज मुबारक, ईद मुबारक एंड 14 अगस्त मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।